अंकल कैसे हैं आप? बस बात बढ़िया अंकल। अंकल पापा जी की तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए मुझे आज मीटिंग में आना पड़ा। और बड़े भाई को मैंने पापा जी को साथ लेकर के अस्पताल भेज दिया है। तो और बताया जे के की तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। हाँ अंकल तबीयत ख़राब का ख्याल रखा। नहीं अंकल ध्यान तो काफ़ी रखते हैं हम लोग, लेकिन टाइम से दवाई नहीं खाते। दवाई टाइम से नहीं देते या वो नहीं लेते? वो अंकल एक सेकेंड। हाँ भाई साहब बोलिए, जरा बिजी हो गया था मैं। टेक योर सीट। अरे मेहरा साहब, मल्होत्रा जी नहीं आए अभी तक? अरे हाँ, मैं आप सबको बताना भूल गया कि मल्होत्रा साहब की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से वो हम सबके बीच में नहीं आ पाए। और हाँ, उनकी जगह आज हमारे बीच उनका छोटा बेटा, जो बहुत हैंडसम वेरी टैलेंटेड बिल्डर्स की दुनिया में चढ़ता हुआ सूरज और जो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके लंदन से आए हैं, वो आज हमारे बीच उपस्थित होंगे। और उनका नाम है मिस्टर राज मल्होत्रा। तो मैं ये चाहूँगा कि हम सब मिलकर अपने बच्चे का जोरदार स्वागत करें। और आप जिनकी तारीफ कर रहे हैं वो है कहाँ? अभी बुलाता हूँ। हाँ बेटा राज, कहाँ पे हो आप? कम इन साइड, कम इन साइड। ओके। बेटा राज आ गए आप? आइए। ये है वेरी टैलेंटेड मिस्टर राज मल्होत्रा, टेक योर सीट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। इस सम्मान के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा साहब अब तो मीटिंग शुरू की जाए। बस दो मिनट का और इंतजार। आज आप सबको मैं एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहा हूँ जिसका आप सबने नाम ही सुना है लेकिन देखा कभी नहीं। वो है राजस्थान के मशहूर बिल्डर्स रणविजय सिंह राठौर। मेहरा साहब आप सही कह रहे हैं, नाम तो काफी सुना है और सुना है राठौर साहब की पकड़ भी काफी अच्छी है। धीरे धीरे थोड़ा क्षमा चाहता हूँ और आप सभी बंधुओं का हाथ जोड़कर नमस्कार। और माई सेल्फ रणवीर सिंह राठौर। आइए राठौर साहब। अरे मेहरा साहब अब तो मीटिंग चालू कीजिए, अब तो आपके राठौर साहब भी आ गए। हाँ भारद्वाज जी बिल्कुल शुरू करते हैं। ये ऑफिस है या अखाड़ा, क्या समझ रखा है आप लोगों ने इसको? हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। लगता है इस बार भी टेंडर ठुकरा साहब के नाम निकलेगा क्योंकि ठुकरा साहब टेंडर लेने में काफी माहिर है। नीरज जी इस मीटिंग में आपको ठुकराल से काबिल कोई औरत दिखाई नहीं दे रहा, माफ कीजिएगा अब वक्त बदल चुका है। युवा पीढ़ी भी कम नहीं है और मैंने विदेश में जाकर बिजनेस की पढ़ाई की है।
इस बार का टेंडर मैंने खुद भरा है। आप कैसे कह सकते हैं कि ठुकरा साहब का टेंडर निकलेगा? भाई मल्होत्रा जी, आप सही फरमा रहे हैं। आपकी काबिलियत पर हमें पूरा भरोसा है। ईश्वर ने चाहा तो ये टेंडर आपको ही मिलेगा। मेरा आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ठुकराल ने टेंडर भरा हो, किसी और को मिला हो। तुम्हारी तो औकात ही क्या है बेटे? तेल देखो और तेल की धार देखो। विदेश में चार अक्षर पढ़ने से कोई बिल्डर नहीं बन जाता है। घमंड और विश्वास में जरा सा फर्क है ठुकराल साहब। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। बस मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड है। ठुकराल, मैंड योर लैंग्वेज। और इतना गरूर अच्छा नहीं, उस परमात्मा से डरो। उस भगवान को राजा से रंग और रंग से राजा बनाने में समय लगता है। ठुकराल जी, अनुज चौहान भी आप ही की तरह काफी घमंडी और बड़बोले थे। आज उनका नामो निशान मिट गया है। पता नहीं खुद मर गए या किसी ने मार दिया। अरे हाँ, अनुज चौहान भी बहुत बड़े बिल्डर हुआ करते थे। मैंने सुना है उनका मर्डर हो गया है, या फिर आप लोगों ने मर्डर करवा दिया। मेरा मतलब है खुद मर गए या मरवा दिए गए। अरे भारद्वाज जी, ये पसीना कैसा? कहीं अनुज चौहान का मर्डर आपने तो नहीं किया? राठौर साहब, क्या मतलब? नीरज जी, पढ़ के सुनाइए। चलो साथियों, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब देखना है किसका भाग्य साथ देता है, क्योंकि इस बार भी ये टेंडर ठुकराल साहब के नाम नहीं निकला है, क्योंकि इस बार ये टेंडर राज मल्होत्रा के नाम है। कंग्रेचुलेशन राज साहब। राज बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू। राठौर साहब, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे शायर भी हैं। इस खुशी के मौके पर क्यों ना आपकी दो लाइनें पेश हो। अरे क्यों नहीं मेहरा साहब, आप कहें और हमने सुनाए। उम्मीदों के चरागों को आँखों में महफूज रखना, उम्मीदों के चरागों को आँखों में महफूज रखना, जिंदगी के सफर में बहुत दूर दूर तक राखो। वाह वाह वाह। उम्मीदों के सफर में बहुत दूर दूर तक रात होगी, जज्बातों के समुंदर में जब उठोगे तुम शिखर तक, जज्बातों के समुंदर में जब उठोगे तुम शिखर तक, ये दुनिया खुद ब खुद तेरे साथ होगी। वाह वाह वाह। जिंदगी के सफर में बहुत दूर दूर तक रात। वाह वाह, ऑसम, आई लाइक इट। वाह वाह। इसे अभी अपनी जीत मत समझना, क्योंकि जीवन में इसे कभी पूरा नहीं कर पाओगे। ठुकराल साहब, ये तो वक्त बताएगा। राज, बच्चे हो, बच्चे ही बनकर रहो। ठुकराल साहब, अपनी मर्यादा में रहो, वरना अब वक्त बदला है और बदलते हालात होंगे। इरादों के नए दौर में नए जज्बात होंगे। सफलता चूमेगी जब हमारे कदम, तो ये दुश्मन भी हमारे साथ होंगे। वाह वाह।